बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ हैं। हमारा अध्याय है रासायनिक बंधन। बच्चों सबसे पहले मैं आज आपको बंध के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि बंध क्या होते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने तीन प्रकार के बंधों की बात करूंगा, जिनमें सबसे पहला जो बंध होगा बच्चों वो होगा सह संयोजक या सहसंयोजी बंध। बच्चों दूसरा होता है उप सह संयोजी बंध और तीसरा और महत्वपूर्ण होता है बच्चों आयनिक बंध। आयनिक बंध। तो बच्चों हमको ये तीन प्रकार के बंधों के बारे में जानकारी लेनी है। मैं सबसे पहले आपको सहसंयोजक या सहसंयोजी बंध के बारे में जानकारी दूंगा। तो बच्चों ध्यान से समझिए कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। सह संयोजी, सहसंयोजी बंध। तो ध्यान से समझिए और अच्छे से क्लियर कीजिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एक समान या भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बच्चों साझा और साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा दोनों परमाणुओं के मध्य पाया जाए। तो बच्चों इस तरह उन दो समान या भिन्न परमाणुओं के बीच बनने वाला जो बंध होगा वो क्या कहलाएगा, वो सहसंयोजी बंध कहलाएगा। ठीक, डेफिनेशन को उदाहरण के द्वारा समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण पर चलते हैं और देखिए। बच्चों पहला उदाहरण मैं आपको F2 के निर्माण से समझाता हूं। F2 का निर्माण, बच्चों F परमाणु क्रमांक 9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 हो जाएगा, प्लस एक दूसरा परमाणु इसका भी F9 2 और 7 इसका भी हो जाएगा। ये दोनों मिलेंगे तब इस तरह से F2 का अणु बनेगा। ठीक है, फाइनली आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन के अंतिम कोष में 7 और इस फ्लोरीन के अंतिम कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इस तरह एक गोल आकृति के द्वारा फ्लोरीन का निर्माण करूं, ठीक है, तो प्लस इस तरह से मैं एक दूसरे फ्लोरीन का भी निर्माण करूंगा। अब इसके अंतिम कोष में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो पहले फ्लोरीन के अंतिम कोष के 7 इलेक्ट्रॉन, एक, ठीक है बच्चों, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से ये 7। इसी तरह से मैं दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा कलर चेंज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। फाइनली क्या होगा, अब आप वो समझिए। फाइनली होना है कि ये परमाणु इसके संपर्क में आएगा, ये परमाणु इसके संपर्क में आएगा और आप देख रहे हैं कि दोनों के अंतिम कोष में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। तो बच्चों जब ये जुड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक परमाणु दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। इन दोनों के जुड़ाव से देखिए एक ऐसा संक्षिप्त सा एरिया जनरेट होगा, ये वाला हिस्सा, जो कि कहलाएगा उनका
अति व्यापन क्षेत्र, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, अति व्यापन क्षेत्र, ये उनका अति व्यापन क्षेत्र है। ये वही क्षेत्र है बच्चों जहां पर वो अपने साझे के इलेक्ट्रॉनों को लाकर क्या करेंगे, रखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये परमाणु देगा तो एक उसके पास पहुंच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला परमाणु देगा तो वो उसके पास पहुंच जाएगा, इस तरह से। ठीक है, दोनों के पास फाइनली क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच जाएंगे। देखिए इस तरह से, क्लियर हो गई मेरी बात। फाइनली इस परमाणु के जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी के 6 वो उसके पास इंडिकेट होंगे। इसी तरह से दूसरे वाले परमाणु के जो शेष 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके पास इंडिकेट होंगे, 1 2 3 4 5 6। फाइनली जब आप देखोगे तो इस तरह से दो फ्लोरीन के अणुओं को जोड़ने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों से उनके बीच में क्या बना, बंद बना। तो बच्चों यहां पर ये जो अतिव्यापन क्षेत्र है, इस अतिव्यापन क्षेत्र में ही किसका निर्माण होगा, निर्माण होगा बंद का। यहां पर जो बंद बनेगा उस बंद को, उस बंद को हम कहने वाले हैं सह संयोजी। ये बच्चों कहलाएगा सह संयोजी, क्योंकि आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था कि दो समान परमाणु या दो भिन्न परमाणु बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को हमेशा कहां रखते हैं, अपने मध्य में रखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर उस शर्त का पालन हो रहा है, यहां पर दोनों ही परमाणु समान है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, और साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहां पर है, उनके मध्य में है। तो बच्चों इस प्रकार ये जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बना, इसीलिए इस फ्लोरीन को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। हम दो फ्लोरीन परमाणुओं के बीच में एक सिंगल, ठीक है, डैश की लाइन खींचेंगे, और ये हमारे बंद को रिप्रेजेंट करेगी। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को हम इस तरह से उनके मध्य में लिखकर दिखाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तैयार होगा इसी को हम बोलने वाले हैं, ठीक है, इसको हम बोलने वाले हैं बंद या बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। जो बंद का निर्माण कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन का युग्म जो बना हुआ है पेयर के रूप में, वो युग्म है। तो ये बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएगा। बच्चों जब एक एक इलेक्ट्रॉन से बंद बनेगा साझे का, तो बंद हमेशा सिग्मा होगा, और सिग्मा जो है वो एक प्रबल बंद की श्रेणी में आता है। मतलब ये एक तरह का मजबूत बंद है, बहुत आसानी से टूटने वाला नहीं है, ये प्रबल बंद है, ठीक है। चलिए कुछ और भी एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि अभी यहां पर दो समान परमाणुओं के बीच में लिया, तो भिन्न परमाणुओं के बीच में भी आपको दिखाना है मुझे। तो अब मैं आपको यहां पर जल का निर्माण दिखा देता हूं, H2O का निर्माण। जब हम H2O के निर्माण पर बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से बच्चों ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है जिसके अंतिम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस फिर मैंने ये एक ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, उसके बाहक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 1, ये 6। प्लस फिर मैंने एक हाइड्रोजन का परमाणु ले लिया बच्चों इस तरह से, उसके अंतिम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। फाइनली हम देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो अब ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ेंगे। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जबकि हाइड्रोजन के अंतिम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना अष्टक पूर्ण नहीं करेगा, वो अपना दुष्टक है ना, अपना द्विलक कंप्लीट करता है वो, इसीलिए उसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। फाइनली जब ये जुड़ेंगे बेटा, इनके बीच में जब जुड़ाव होगा, तो ये एक ऑक्सीजन परमाणु एक हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा, दूसरे को भी अपने साथ जोड़ लेगा। हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को उस स्थान पर भेज देगा जो कि अतिव्यापन क्षेत्र है, एक एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन भी भेज देगा। ऑक्सीजन के शेष इलेक्ट्रॉन जो रह जाएंगे वो उसकी सतह पर रह जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि एक जल के अणु का निर्माण हो जाएगा। जब इस जल के अणु का निर्माण होगा तो ये पूरी प्रक्रिया आपको देखने को कुछ इस तरह प्रतीत होगी। सपोज ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, इससे एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा, इससे एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन युग्म थे वो इस तरह से थे, और इसका जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म थे वो कुछ इस तरह से थे। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हुआ क्या, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान बराबर मात्रा में हुआ, और इलेक्ट्रॉन हमेशा दोनों के मध्य में है, और यही वजह है बच्चों कि दो भिन्न परमाणुओं के बीच में पुनः जो बंध बना वो सहसंयोजी बंध है। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध आपने समझ लिया, ध्यान दीजिए। मैं अब आपको यहां पर सहसंयोजी जो बंध है बच्चों, सहसंयोजी बंध के आपको मैं बता रहा हूं प्रकार। बच्चों सहसंयोजी बंध जो है वो एकल बंध होते हैं, ठीक है, सहसंयोजी बंध द्विबंध होते हैं, मतलब इनमें द्विबंधन पाया जाता है, एकल बंधन।
ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा त्रिय बंधन, आपकी बुक में थोड़ी सी शब्दावली इनकी चेंज भी हो सकती है। एकल बंध सहसंयोजी यौगिक, डबल बॉन्डेड या द्विबंध सहसंयोजी यौगिक, त्रिबंध सहसंयोजी यौगिक, इस तरह की भी हो सकते हैं। तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो एकल बंध का उदाहरण अभी आपने फ्लोरीन के एग्जाम्पल में देख लिया, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो केवल एक बंध बनेगा, जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको O2 का निर्माण दिखा दूं, ठीक है, जल्दी से, तो बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6, फिर एक प्लस दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का क्रमांक 8, 2 और 6, अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस एक अनदर ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। फाइनली क्या होगा बच्चों, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इनके जुड़ाव की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो जाएगी। इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे बच्चों। शेष जो चार चार इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उनके केंद्रीय भाग में रह जाएंगे और इस तरह से ऑक्सीजन का एक जो यौगिक है वो तैयार हो जाएगा और यहां पर O2 का एक अणु बनेगा। जब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा बच्चों, तो हम उनके बीच में दो बॉन्ड बनाकर दिखाएंगे। जब दो बंध होंगे तो उसमें से एक बंध पाई होगा और दूसरा बंध सिग्मा होगा। जो पाई बंध होंगे बच्चों, आपको याद रखना कि पाई बंध दुर्बल प्रकृति के होते हैं, ये दुर्बल होते हैं, जबकि सिग्मा बंध कैसे होते हैं, सिग्मा बंध प्रबल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने द्विबंधन बता दिया। फाइनली मैं त्रिबंध भी आपके सामने एक उदाहरण ले लेता हूं और मैं आपको उसके लिए N2 का निर्माण दिखा देता हूं। तो बच्चों N2 का निर्माण देखिए, ध्यान दीजिए, एक नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5 प्लस एक दूसरा नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5। बच्चों नाइट्रोजन इस तरह से, इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है प्लस एक दूसरा नाइट्रोजन, इसके अंतिम कोष में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो बच्चों ये इस तरह से जुड़ जाएंगे सबसे पहले और इनके बीच में, ठीक है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा। शेष एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा वो अपने पास रखेंगे और इस तरह से NH3 का आप देखेंगे, सॉरी N2 का जो है वो निर्माण हो जाएगा। और नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में हम त्रिबंध बनाएंगे, जिसमें से एक बीच वाला जो बंध होगा वो सिग्मा, जबकि ऊपर और नीचे वाला बंध पाई बंध होगा। और ये इस तरह से त्रिबंध का एक उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने सहसंयोजी बंध के बारे में एक जानकारी ली। इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी और हम अपना अगला जो टॉपिक है वो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है।